हेलो आप लोग कैसे हो इस वीडियो लेसन में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एन वाले क्वेश्चन आंसर कर जाते हैं इसकी ना पी आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पहली बात दूसरी बात एक बार समझ लोगे तो याद करना आसान हो जाएगा एन के इंटेक्स और बैक क्वेश्चन को हमें इग्नोर नहीं करना है क्यों नहीं करना क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन आ जाता है ठीक है पेपर टफ नहीं आता जनरली बच्चे इतने सारे इतना सारा सामान हो गया इतनी सारी बुक्स हो गई है रेफरेंस बुक या हम एन सी भूल जाते हैं वॉट इज़ द डिफरेंस बिट्वीन अच्छा इस चैप्टर को मैंने समझा दिया ऑलरेडी अब आप एन सी आर टी कर लेते हैं वो आप लोग देख लेना जाके एक मिनट हाँ सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या फ़र्क होता है रिफ्लेक्स एक्शन में और वॉकिंग में एक है रिफ्लेक्स एक्शन एक है चलना रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो उसमें कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता एकदम से आपने कोई बहुत गर्म चीज़ पे हाथ लगाया और आपने एकदम से हाथ हटा लिया आपने कुछ सोचा तो नहीं ना इसके बारे में और ये स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है अब इतना आप लोग को आइडिया होगा कि रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन एक प्रकार का इनवॉलेंट्री एक्शन है जहाँ पे थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होगा वो रिएक्शन इनवॉलेंट्री होगा जहाँ पे थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होगा वो कैसा रिएक्शन होगा इनवॉलेंट्री रिएक्शन होगा वेर इज़ इन्वॉलेंट्री जो सोचे समझे बिना जैसे सांस लेना अब तुम नहीं सोच सोच के सांस थोड़ी लेते हो फिर उसके बाद वॉकिंग टेक्स प्लेस आफ्टर थाट अकॉर्डिंग टू आवर विशेज और वॉकिंग तो हम सोच समझ के करते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या था रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या फ़र्क है आंसर क्या है रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉलेंट्री है वॉकिंग वॉलेंट्री है रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड का रोल होता है वॉकिंग के अंदर ब्रेन का रोल होता है ठीक है और वॉट हैपन्स वेन दट हैपन्स एट द साइन एप्स बिटवीन द टू न्यूरोन दो न्यूरोन के बीच का ये वाला डायग्राम आप लोग को याद है ना ये देखो एक न्यूरोन ये होता है ये इसका बॉडी ठीक और ये इसके फाइनली डेंड्राइट्स और दूसरा न्यूरॉन यहीं पे होता है तो इनके बीच वाली जगह को कहते हैं साइनाप्स इसके बीच में क्या होती है साइनाप्स होती है साइनाप्स बेसिकली गैप होता है नर्व एंडिंग दो न्यूरॉन एक की नर्व एंडिंग देखो इसकी एंडिंग और इसके डेंड्राइट के बीच में ऊपर वाले एरिया को क्या कहते हैं डेंड्राइट कहते हैं क्या कहते हैं डेंड्राइट डेंड राइट और इस वाले को क्या कहते हैं नर्व की एंडिंग तो नर्व एंडिंग तो एक की नर्व एंडिंग और दूसरे की डेंडराइट के बीच का जो जगह होती है उसको साइन कहते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो सिग्नल बनता है वो आगे पास होता है ठीक है और ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है साइन इंश्योर करता है कि नर्व नर्व इम्पल्स एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करे और यहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिन्हें न्यूरो कहते हैं जो कि फर्दर सिग्नल आगे लेके जाते हैं तो क्वेश्चन क्या था साइन पे क्या होता है साइन पे नर्व नम्पल्स एक न्यूरॉन की एंडिंग से देखो यहाँ पे एंडिंग है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे आते हैं आप लोग कीवर्ड्स का ध्यान रखना एग्जाम में तुम्हें आता भी है तब भी की यूज़ नहीं करोगे यू माइट नॉट स्कोर वेल तो की वर्ड्स आता की की को बार बार यूज कर पढ़ा करो उसी के उसी को इनकलकेट करके आंसर लिखना है ठीक है सिमिलर साइन अलाउड डिलीवरी अच्छा साइन ऐप से एक ही डायरेक्शन में जाता है सिग्नल विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इन मेंटेन्स पॉस्चर एंडली हमारे बॉडी को हमने सीधा बैठना है हम सीधा खड़े होने कौन मेंटेन करते हैं इट इज सेरे कौन मेंटेन करते हैं सरे कैसे डिटेक्ट करेंगे है? हम स्मेल ऑफ अगरबत्ती अगरबत्ती हम जलाते हैं तो उसकी खुशबू कैसे डिटेक्ट की जाती है बाय अल्फैक्ट्री रिसेप्टर्स जो वो स्मेल डिटेक्ट करते हैं उसे कहते हैं अल्फैक्ट्री रिसेप्टर्स अच्छा बताओ जो टेस्ट डिटेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ जब चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था वॉट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन द रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का रोल क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके अंदर बहुत सारी नर्व है ठीक है दिस थिंकिंग इन्वॉल्वस अ मोर कॉम्प्लेक्स प्र एंड न्यूरल कनेक्शन जब हम कोई चीज सोचते हैं दिमाग के अंदर उसका प्रोसेस चल रहा होता है और काफी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है दीज आर कनेक्टेड इन द ब्रेन पर द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम देयर फोर ब्रेन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट दे रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेज इसमें बोल रहा है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है फेरेफेरल नर्वस सिस्टम होता है फटाफट रिवाइस कर लो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है ठीक है तो स्पाइनल कॉर्ड का, का काम है रिफ्लेक्स एक्शन कर देना उसके पहले और बाद का काम करने का किसका है ब्रेन का, का काम है तो इवन दो स्पाइनल कॉड एक्शन करने के लिए हमें बोलेगा बट ये जो ब्रेन है फिर बाद में हमारा पॉस्चर सीधा रखना हमारी सांस तेज करना ये सब का काम ब्रेन का है वॉट आर प्लांट हार्मोन्स प्लांट हॉमोन्स को और क्या कहते हैं ग्रोथ हॉर्मोन्स भी कहते हैं ये हेल्प करते हैं प्लांट को कोऑर्डिनेट करने के लिए डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्स देने के लिए पेड़ स्टूमराई को और प्लांट हार्मोन जो होता है इसके बारे में हम ये भी जानते हैं कि ये तीन देखो ये चार प्रकार के होते हैं ऑक्सीजन जिब्रलिन साइटोकाइन एप्सिस एसिड हाउ इज द मूवमेंट ऑफ द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूमेंट ऑफ द शूट टूअर्ड्स लाइफ लाइट एक पेंट इसको मैं क्लियर कर दूँ <laughs> देखो हाउ इज द मूवमेंट ऑफ द लीफ पत्तों की मूवमेंट सेंसिटिव प्लांट के कैसे डिफरेंट होती है शूट के मूवमेंट की टूवर्ड्स लाइट शूट समझते हो ग्राउंड है ग्राउंड के नीचे वाला जितना भी हिस्सा है उसे रूट कहते हैं और ग्राउंड के ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है उसे शूट कहते हैं तो इसने बोला कि जो लीव्स की मूवमेंट है जैसे सेंसिटिव प्लांट जैसे टच मी नॉट पोडिया इनकी मूवमेंट कैसे डिफरेंट है शूट्स के थ्रू अब देखो सेंसिटिव प्लांट जो होते हैं जैसे टच मी नॉट टच मी नॉट को मेमो पोडिया भी कहते हैं पोडिका भी कहते हैं और टच मी नॉट को ही छुईमुई भी कहते हैं मूवमेंट ऑफ द लीज ऑफ द सेंसिटिव प्लांट ना तो ये टूवर्ड्स और इट्स नाइदर इधर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस ऑफ टच

टच रेगुलेट करता है थिगमोट्रॉफिक मूवमेंट का एक एग्ज़ाम्पल है अगर हमने टच किया तो वो बंद हो जाता है टच नहीं करेंगे तो खुला रहेगा एज शूट की मूवमेंट लाइट रेगुलेट करती है वो लाइट की तरफ ही सीधा सीधा मूव करते हैं ठीक है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट होमोन दैट प्रमोट ग्रोथ कौन सा ऐसा प्लांट होमोन है ग्रोथ प्रमोट करता है ऑक्सिन है जो सेल की ग्रोथ सेल को बढ़ा बढ़ाता है और सेल्स को लंबा करता है जिब्रलिन स्टेम को बढ़ाता है ठीक है एक है प्लांट सेल के बारे में एक स्टेम के बारे में कंफ्यूज मत होना हाउ डू ऑक्सीजन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट मान लो ये सपोर्ट है ग्राउंड है टेंडरल इसके चारों ओर ग्रो करेगा जब टेंड्रिल एक सपोर्ट के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो अच्छा देखो जैसे ही टेंड्रिल इस सपोर्ट के कॉन्टैक्ट में आए ना तो ऑक्सीजन ऑपोजिट लेवल पर जाके ग्रो होने लग जाते हैं ठीक है दिस इज कॉज बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन हॉमोन तो जो पोशन एक टेंड्रिल का इसके पास होगा जो पोशन टेंड्रिल का सपोर्ट के पास होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सीजन चले जाते हैं और ऑक्सीजन के कारण ग्रोथ होती है एक बार मैं फिर से रिपोर्ट रिपीट करती हूँ जो पोशन टेंड्रिल का एक सपोर्ट सपोर्ट कुछ भी हो सकता है वॉल डंडी कुछ भी उसके साथ चिपका होगा वो ग्रो नहीं करता उसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाला एक हिस्सा ग्रो करता है अब इसने बोला है कि डिज़ाइन करो टेम्प्रेरी एक्सपेरिमेंट जिससे हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखाओ हाइड्रोट्रॉपिज्म कहाँ होता है टुअर्ड्स द वाटर वाटर से रेगुलेट का वाटर की डायरेक्शन में जो होगा या वाटर से अवे जो होगा उसे हाइड्रोट्रॉपिजम कहते हैं ठीक है सबसे पहले इसने बोला एक ट्रे लो फिल करो उसमें मिट्टी डाल दो उसके अंदर छोटा सा सीड डाल दो और ऐड कर दो वाटर ठीक है और इसमें फिगर नहीं दिखा रखा द रूट जो हमें पता है कि जो रूट होती है वो हमेशा नीचे मूव करेगी और ये शो करता है पानी भी नीचे जाता है रूट भी नीचे मूव करती है तो ये पॉजिटिव हाइड्रोड्रोपिज्म है क्या है पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म जब पानी की डायरेक्शन में कोई मूवमेंट होगी दैट इज़ पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म ऑपोजिट में होगी तो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म ऐसे ही लाइट का भी होता है जब लाइट की डायरेक्शन में होती है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म जब लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स एनिमल्स में कैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है हॉर्मोन्स के कारण होता है कौन से क्रीट करते हैं हार्मोन्स ग्लैंड तो केमिकल मैसेंजर्स का काम करते हैं डायरेक्टली हमारे ब्लड में कोई डक्ट वगैरह नहीं होती है डक्ट मतलब पाइप्स नहीं होती सीधा ब्लड में हॉर्मोन्स आ जाते हैं दीज ऑर्गेन्स एंड इशू और टिश्यूज़ होते हैं ऑर्गेन्स होते हैं फदर इस हॉर्मोन के कमांड लेके आगे रिस्पॉन्ड भी करते हैं वाई इट वाई इज इट द यूज़ इसने बोला है कि नमक का यूज़ होना एडवाइजेबल क्यों माना जाता है क्योंकि आयोडाइज नमक का नमक का भी नहीं आयोडाइज नमक का क्योंकि आयोडीन जो होता है वो हमारे ग्लैंड की फंक्शनिंग में हेल्प करता है ठीक है ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन हॉमोन हाँ थायरॉयड कहाँ होता है ये बताओ मुझको कमेंट में लिख के आप लोग जब लिखोगे तो आप लोग का भी रिविजन होगा थाइरॉक्सिन रेगुलेट क्या करता है हमारी बॉडी का कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म मतलब आपने कार्बोहाइड्रेट खाया फैट खाया ठीक है तो उसको उसको तोड़ने का काम कौन करेगा इट इज़ बेसिकली दायरॉक्सिन हॉमोन फिर उसके बाद आता है आयोडीन इज डिफिश अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई तो हो सकता है कि हमें ग्वाइटर हो जाए तो थाइरॉयड ग्लैंड इन लार्ज कॉजेज स्वेलिंग और जब थाइरोयड ग्लैंड अब तो पता ही लग गया होगा हमारे नेक में है थाइरायड ग्लैंड ठीक है इन्होंने ही दिया अगर थाइरोयड ग्लैंड इन हो जाता है तो स्वेलिंग हो जाती है आयोडाइज कॉमन सॉल्ट कंटेन प्रॉपर कंटेंट ऑफ आयोडीन, जो आयोडाइज कॉमन सॉल्ट होता है उसके अंदर काफी सारा आयोडीन होता है ठीक है इससे थायरक्सिक हार्मोन ढंग से काम करता है हाउ डज़ आवर बॉडी रिस्पॉन्स जब हमारी बॉडी में होता है तो हमारी बॉडी कैसा रिस्पॉन्स दे, देती है एड्रेलिन हार्मोन जब लार्ज अमाउंट में सिक्रिएट होता है जब इंसान डरा होता है ठीक है या फिर मेंटली डिस्टर्ब होता है एग्जाइटी वगैरह हो रही होती है जब इंसान थोड़ा डरा वगैरह होता है डरा होता है तो उसकी बॉडी से क्या बॉडी में क्या निकलता है एड्र हो, एड्रनाल हार्मोन जब ये हार्ट के पास ये हार्मोन पहुंच जाता है तो दिल फटाफट धक धक तेज तेज धक धक करने लग जाता है ठीक है और इसके कारण से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे मसल्स को सप्लाई होता है ठीक है ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है हमारे तेज तेज सांस लेने का जो रेट है वो भी बढ़ जाता है और डायफ्राम जिस कारण से हमारा डायफ्राम भी जल्दी जल्दी मूवमेंट करता है डायफ्राम कहां होता है लंग्स के नीचे होता है इट ऑल्सो रेजेस और इससे हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और ज्यादा ग्लूकोज ब्लड के अंदर एंटर करता है ठीक है ये सारे रिस्पॉन्स हमें हेल्प करते हैं कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन से हमें डील करने के लिए ठीक तो है समझ गए कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो एटलेंस हमारी बॉडी में सिक्रीट होगा एडिलेंस सिक्रीट होगा तो फिर क्या होगा हमारा जो हार्ट है वो तेज तेज धड़केगा ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगा ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगा तो उसके कारण से क्या होगा हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा ग्लूकोज ज़्यादा एंटर कर पाएगा ब्लड में और अगर हमें भागना है कूदना है चलाना है ये सब हम कर पाएंगे क्योंकि जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है फिर आता है वाई आर सम पेशेंट विद डायबिटीज़ ट्रीटेड बाई गिविंग इंसुलिन जिनको डायबिटीज़ होता है उनको इंसुलिन क्यों दिया जाता है डायबिटीज़ क्यों होता है ड्यू टू ले जब हमारे बॉडी में हार्मोन ढंग इंसुलिन हार्मोन ढंग से सिक्रीट नहीं हुआ ठीक है कम सिक्रीट हुआ या फिर सिक्रीट हुआ ही नहीं तो इंसुलिन हो जाता है सॉरी डायबिटीज हो जाती है ठीक है और इंसुलिन को कौन सिक्रीट करता है पेनक्रियाज सिक्रीट करता है और इस कारण से ब्लड में शुगर लेवल हाई हो जाता है देखो पेनक्रियाज ने क्या सिक्रीट करा पेनक्रियाज ने सिक्रीट करा इंसुलिन इंसुलिन का काम क्या है बॉडी के अंदर जितना भी शुगर आया उसको डिजनरेट कौन करता है इंसुलिन करता है मान लो बॉडी अब इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं हुआ तो शुगर अब डाइजेस्ट ही नहीं होगा शुगर बढ़ जाएगा ठीक है तो कहते हैं ना शुगर बढ़ रखा है इसका तो इंसुलिन कन्वर्ट कर देता है एक्स्ट्रा शुगर जो भी होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है ग्लाय को जन में कन्वर्ट कर देता है तो जो पर्सन है जो उन जो डायबिटीज़ है उनकी बॉडी में इंसुलिन सही से सिक्रेट नहीं हो रहा इसलिए उनको बाहर से हम बना बनाया इंसुलिन दे देते हैं ताकि उनकी बॉडी का शुगर जो है डाइजेस्ट हो पाए ग्लाइकोजन में बदल पाए और उनको शुगर से जो दिक्कत हो रही है उसका एक सल्यूशन uh, मिल पाए चलो अब ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट इंटेक्स क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है पीडीएफ ले लेना ले तुम लोग टेलीग्राम से अब नेक्स्ट uh, एक एक वीडियो में मैं तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा दूंगी और एग्जाम्पलर भी करा दूंगी